हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज बात करेंगे नेट से। नेट का एग्ज़ाम होने वाला, 1 वीक के अंदर एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो 1 वीक तक में जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यहां पर जो आज हमने पहला VVI लिस्ट ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज डियर प्रोपाउंडर एंड ईयर, इसके इस फॉर्मेट से क्वेश्चन आने का जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा आता है, मैच द फॉलोइंग करके। मैच द फॉलोइंग में क्या पूछेगा कि थ्योरी दे देगा, ठीक है, और इसके जो प्रोपाउंडर हैं इनका नाम दे देगा, मैच करना है, ठीक है, कॉलम 1 कॉलम 2 इस तरीके से। फिर थ्योरी दे देगा, फिर ईयर दे देगा, ठीक है, और मैच करना होता है। तो और ये वो चैप्टर है जहाँ से 100% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो आज हम नेट वालों का, जो भी जिन स्टूडेंट का भी नेट का एग्ज़ाम है, वो इन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। 7 डेज तक जितना भी पॉसिबल हो पाएगा हमसे, उतना टॉपिक हम करवा देंगे यहाँ पर। तो लिस्ट ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज हो गया, लिस्ट ऑफ मोटिवेशन, ये जितना भी यहाँ पर लिखा गया है, ये सारे के सारे रिलेटेड टू मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। ये मोटिवेशन थ्योरीज है, जैसे हायरार्की ऑफ नीड्स, थ्योरी ऑफ इमेच्योरिटी, टू फैक्टर थ्योरी, इसके बाद थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्री नीड्स थ्योरी, द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड थ्योरी जेड। ये सारे के सारे ऑप्शन में दे देगा कि मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोटिवेशन थ्योरी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये मोटिवेशन थ्योरीज हो गया। इसके बाद इसको प्रोपाउंड किसने किया था, दिया किसने था, तो प्रोपाउंडर नेम याद रखने हैं। इसके बाद ये आया कब था, ये आया कब था, ईयर देखने हैं। तो ये काफी VVI टॉपिक है। लिस्ट ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज की बात करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड लास्ट वन, सेवेंथ, ठीक है। तो हम बात करते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, ये मोटिवेशन थ्योरी है। इसको दिया किसने था, अब्राहम हेराल्ड मैस्लो ने, कितने, इन विच ईयर, 1943 में हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी विच इज़ रिलेटेड टू मोटिवेशन, ठीक है, किसने दिया था, अब्राहम हेराल्ड मैस्लो, ठीक है। सेकेंड है थ्योरी ऑफ इमेच्योरिटी, थ्योरी ऑफ इमेच्योरिटी जो है किसने दिया था, क्रिस एग्रीस और ग्रीस, ठीक है, थ्योरी ऑफ इमेच्योरिटी प्रोपाउंडेड बाय क्रिस और ग्रीस, ठीक है, इन विच ईयर, 1957। फिर है थर्ड वन टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी में एक फर्स्ट का नेम है मोटिवेशन हाइजिन थ्योरी और सेकेंड का नेम है मोटिवेशन हाइजिन थ्योरी एंड सेकेंड जो है वो ड्यूअल फैक्टर थ्योरी है। इसको किसने प्रोपाउंड किया था, फ्रेडरिक इरविंग हर्जबर्ग, ठीक है, इन विच ईयर, 1959। सेकेंड फोर्थ वन है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई प्रोपाउंडेड बाय डगलस मर्रे मैकग्रेगर, 1960। फिफ्थ है थ्री नीड्स थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय डेविड क्लेरेंस मैकलैंड, 1960। इसके बाद थ्योरी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रोपाउंडेड बाय विक्टर हेराल्ड ब्रूम, 1964। इसके बाद है थ्योरी जेड प्रोपाउंडेड बाय विलियम जी बिल औची, 1981। तो ये फर्स्ट लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मोटिवेशन थ्योरी, प्रोपाउंडर किसने प्रोपाउंड किया, किस ईयर में प्रोपाउंड हुआ। ये कभी कभी ऐसा भी पूछ देता है कि मतलब अरेंज द ओरिजिन, मतलब अरेंज, इसको पूछने का जो मेथड है, तरीका जो है, टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, पहला लिखेंगे, पहला है इसमें कि मैच द फॉलोइंग में आएगा। दूसरा आएगा कि अरेंज इन सीक्वेंस और ओरिजिन का कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर अरेंज करने के लिए बोल देगा कि मतलब इन सारे थ्योरी का नेम दे देगा और इसको अरेंज करने के लिए बोलेगा कि मतलब सीक्वेंस में या ओरिजिन में जब से ये आया तब से, मतलब इसमें पहले ऊपर नीचे करके दे देगा, जैसे कि इसमें हायरार्की ऑफ नीड्स 1943 है तो पहले इसको लेंगे, चार दे देगा, चारों का ईयर जो है चेंज कर देगा, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड का 1957 दे देगा, टू फैक्टर थ्योरी का 1943 दे देगा। तो इसको हमको क्या करना होता है, सीक्वेंस में लगाना होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से
काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। मतलब अगर हम मोटिवेशन इस थ्योरी के मतलब किसने प्रोपाउंड किया, किसने दिया, कितने ईस्वी में दिया, तो इससे हमारा तीन टाइप का क्वेश्चन का के सॉल्व करने का जो मेथड है वो काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसमें ये था मोटिवेशन थ्योरी। ये जितनी भी हायरार्की ऑफ नीड्स, थ्योरी ऑफ इमैच्योरिटी, टू फैक्टर थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्री नीड्स थ्योरी, द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और थ्योरी जेड, ये सारे के सारे जो ये मोटिवेशन से रिलेटेड थ्योरी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज नॉट रिलेटेड टू मोटिवेशन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेगा, मैच द फॉलोइंग में आएगा। इसके बाद है अरेंज इन कहे सिक्वेंस या ओरिजिन, टू दियर ओरिजिन, इस तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है नेट के एग्जाम में। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, तो इसको देखिए। दूसरा जो लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है, ये सारे के सारे टॉपिक हैं मैच द फॉलोइंग के लिए, अरेंज इन सीक्वेंस और टू दियर ओरिजिन, ठीक ना। तो यहाँ पर अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिशर एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट में फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट का पब्लिशर जो है यह है इंस्पेक, और इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लंदन, ठीक है। इसमें यह भी हो जाता है कि फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड इन वेयर फ्रॉम, ठीक है, लंदन 1898 में। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी 1907। इसके बाद बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है बायोसिस प्रीव्यूज, थॉमसन ज्यूटर्स 1926 है। साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है, इसका पब्लिशर जो है वो साइक इन्फो है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 1927 में ये पब्लिश्ड हो रहा है। डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट है, यूनिवर्सिटी माइक्रोफिल्म इंटरनेशनल है और प्रोक्वेस्ट भी करता है 1938 से। तो ये सभी एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन भर भर करके आता है, ठीक है, एग्जाम में, नेट के एग्जाम में। तो इसको याद रखेंगे कि फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट का जो पब्लिशर है वो कौन है, इंस्पेक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लंदन से पब्लिश्ड होता है 1898 से। इसके बाद है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, इसका पब्लिशर है, कब से पब्लिश कर रहा है, तो 1907 से। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है बायोसिस प्रीव्यूज, थॉमसन ज्यूटर्स, ये दोनों ही क्या करता है, तो पब्लिशर है, और कब से पब्लिश कर रहा है, तो 1926 से। साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है, इसका पब्लिशर क्या है, कौन है, साइक इन्फो, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, कब से पब्लिश हो रहा है, 1927 से। डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट है, इसका पब्लिशर कौन है, तो यूनिवर्सिटी माइक्रोफिल्म इंटरनेशनल या प्रोक्वेस्ट 1938 से इसका पब्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें और भी है, पाँच छः और है, उसको देखना है। चले देखिए आगे, जो एब्स्ट्रैक्ट है वो सोशियोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है, इसका जो पब्लिशर है वो प्रोक्वेस्ट है, कब से पब्लिश कर रहा है, तो 1952 से। फर्स्ट पब्लिकेशन का ईयर जो है 1952 है। करंट कंटेंट्स, थॉमसन ज्यूटर्स, और इसका पब्लिशर है, कहाँ से पब्लिश होता है, फिलाडेल्फिया से 1961 से स्टार्ट है। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये लाइब्रेरियन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पूछा जा चुका है कि इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का पब्लिशर कौन है, नेशनल इंडस्ट्रियर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज 1965 से हो रहा है, ठीक है। ये भी आ चुका है स्कोपस सीधे पूछ दिया कि स्कोपस, व्हाट इज स्कोपस, स्कोपस क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट भी है और एक साइटेशन डेटाबेस भी है। यहाँ पर देखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट भी है और ये साइटेशन डेटाबेस भी है, और ये दोनों ही लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंडियन, हु इज़ द पब्लिशर ऑफ इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, निष्क्रियर है, और कब से इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश हो रहा है, 1965 से। इसके बाद है स्कोपस एक साइटेशन डेटाबेस भी है, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट भी है, दोनों है। इसका पब्लिशर कौन है, एल्जेवियर है, कब से हो रहा है, 1966 से। अब फिर इसको रब कर रहे हैं, और जो चार पाँच बचा हुआ है उसको भी इंक्लूड कर दें इसमें। तो एक बार फिर से समझिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना एकदम 100% पॉसिबिलिटी है। इसका आपको मैच द फॉलोइंग में सबसे ज़्यादा भर भर करके पूछा जाता है। इसको आपको जो है समझना है कि ये एब्स्ट्रैक्ट, जितना भी अभी हम लिखा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, पूछ देगा कि विच वन इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट द फॉलोइंग,
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट है कौन सा नहीं है। मैच द फॉलोइंग में जब भी आएगा तभी तो आएगा कि सोशियोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट दे देगा, ये चार ऑप्शन दे देगा, चारों का पब्लिशर जो है ये उसका उसमें दे देगा, और उसको आपको क्या करना है तो रिमाइंड रखना है, ठीक है। या फिर पब्लिशर दे देगा कि ओरिजिन के बेस पर जो है इसको सीक्वेंस में सीक्वेंसिंग करना होता है कि पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, किसका पब्लिकेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइब्रेरियन के भी एग्जाम में आ चुका है ये दोनों। स्कोपस स्कोपस सीधे आ चुका है कि स्कोपस व्हाट इज स्कोपस जैसा डेटाबेस एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये आ चुका है कि हु इज़ द पब्लिशर ऑफ इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, निस्कियर है। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एब्स्ट्रैक्ट है, लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट्स है, उसकी बात करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट का पब्लिशर अमेरिकन केमिकल सोसाइटी है। 1966 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। साइक इन्फो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसकी चर्चा इससे पहले किए थे, 1967 में से पब्लिश हो रहा है। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट का जो पब्लिशर है वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स आइसलिक कलकत्ता, ये इंडियन है, ठीक है। यहाँ पर इंडियन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इंडियन एब्स्ट्रैक्ट है, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इल्सा, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इसको निस्केयर, इसका पब्लिशर जो है ये निस्केयर कलकत्ता से होता है। 1967 से इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट का जो पब्लिशर है वो है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लंदन, लंदन से होता है इंस्पेक्ट 1967 से। और फिर है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट लीसा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का जो पब्लिशर है वो प्रोक्वेस्ट है, ये पहले ना जाना जाता था आर आर वॉकर के नाम से, ठीक है। ये जो है प्रोक्वेस्ट जो है ये पहले सॉरी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का जो पब्लिशर है करंट में वो प्रोक्वेस्ट है। इससे पहले जो पब्लिशर था वो था आर आर वॉकर, ठीक है। 1969 से ये पब्लिश हो रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट, पब्लिशर एंड ईयर, इसको याद करना है, इससे तीन टाइप के सवाल आपके बनेंगे एग्जाम में। अब चलते हैं, दो रह गया है, ओनली टू रह गया है, उसके उसको भी स्पेस कम है तो दो रह गया है, उसको उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए, दो रह गया था एब्स्ट्रैक्ट में, ये है वेब ऑफ साइंस, इसको स्टार मार्क कीजिए, ये क्वेश्चन आ चुका है नेट एग्जाम में भी और लाइब्रेरियन के एग्जाम में भी। वेब ऑफ साइंस क्या है, तो ये एक सबसे पहली बात एब्स्ट्रैक्ट है, और किस प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये साइटेशन इंडेक्स है, ठीक है। वेब ऑफ साइंस होता क्या है, तो ये एक साइटेशन इंडेक्स भी है। इसका जो पब्लिशर है वो थॉमसन रूटर्स है, थॉमसन रूटर्स, ठीक है। पब्लिश कब से हो रहा है, तो 1970 से, 1970। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट, इसका जो पब्लिशर है वो एब्सको इंडस्ट्रीज बर्मिंघम से होता है, अलबामा, 1984 से होता है। तो यहाँ तक एब्स्ट्रैक्ट का जो लिस्ट है वो हो गया द एंड, ठीक है। अब बात करेंगे बिब्लियोग्राफी की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ये बिब्लियोग्राफी होगा, बिब्लियोग्राफी एंड टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफी की, नेशनल है या इंटरनेशनल है, इसके बाद ईयर ऑफ ओरिजिन और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। तो लिस्ट ये आ चुका है, वेब ऑफ साइंस, साइटेशन इंडेक्स है, थॉमसन रॉयटर्स इसका पब्लिशर है, 1970 से पब्लिश कर रहा है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट जो है ये, इसको पब्लिश इसका पब्लिशर कौन है, इब्सको इंडस्ट्रीज
बर्मिंगम अलबामा से होता है, 1984 से होता है। अब चलेंगे हम बिब्लियोग्राफीज़ पे, लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज़ एंड बिब्लियोग्राफी जो होता है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का होता है, और इसके बाद ईयर ऑफ ओरिजिन या पब्लिकेशंस की कब से हुआ उस पर। अब बात कर रहे हैं हम लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज, दियर पब्लिशर एंड ईयर। बिब्लियोग्राफीज हो गया, पब्लिशर हो गया बिब्लियोग्राफी का, और ईयर कितनी ईस्वी में, ये लिस्ट है। लिस्ट में हो गया बिब्लियोग्राफीज, पब्लिशर एंड ईयर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये इम्पोर्टेंट है नेट और लाइब्रेरियन, किसी भी लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे ईयर कब आया, मतलब इंटरनेशनल लेवल का जो पहला बिब्लियोग्राफी था उसका नाम था बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस, ठीक है। फिर 1545 में, 1545 में आया, इंटरनेशनल लेवल का था, कॉनरेड जेस्नर ने इसको प्रोपाउंड किया था, ठीक है। पब्लिशर ये सॉरी ये पब्लिशर था कॉनरेड जेस्नर, ठीक है ना। तो पहला हो गया बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस इंटरनेशनल। सब ट्रेड बिब्लियोग्राफी के हो गया, व्यावसायिक, व्यावसायिक कहते हैं, व्यवसाय से रिलेटेड मतलब जो बिब्लियोग्राफी होता है उसको ट्रेड बिब्लियोग्राफी। सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप हो गया नेशनल लेवल का, हर एक देश का अपना एक बिब्लियोग्राफी होता है, ठीक है। प्रत्येक देश का अपना एक बिब्लियोग्राफी होता है नेशनल लेवल पे, जैसे नेशनल लेवल पे का हर एक देश का झंडा होता है, हर एक देश का कोई ना कोई मतलब सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वैसे ही खेल होता है, वैसे ही ये बिब्लियोग्राफी जो है ये एक नेशनल, इंटरनेशनल और ट्रेड बिब्लियोग्राफी। पहला बिब्लियोग्राफी 1545 में बिब्लियोथेका यूनिवर्सलिस था, इसका जो टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी वो इंटरनेशनल लेवल का था है, और इसका पब्लिशर जो है कॉनरेड जेस्नर है। सेकेंड हो गया 1872, 1872 में बिब्लियोग्राफी का नाम है पब्लिशर्स वीकली, और ये किस टाइप का पब्लिशर्स वीकली जो है ये किस टाइप का बिब्लियोग्राफी है, तो ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। इसका जो पब्लिशर है वो PWXYZ LLC है। फिर 1898 में कुमुलेटिव बुक इंडेक्स आया, कुमुलेटिव बुक इंडेक्स किस टाइप का मतलब बिब्लियोग्राफी है, तो ये सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी है। इसके बाद हो जाएगा पब्लिशर जो इसका वो हालसी विलियम विल्सन है, अमेरिका से उसका पब्लिशिंग होता है। इसका 1932 में आया उल्रिक इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी, ये भी ये किस टाइप का बिब्लियोग्राफी है, तो ये ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। आर आर बॉकर या प्रोक्वेस्ट, आर आर बॉकर का ही नया नाम, करेंट में जो नेम है वो प्रोक्वेस्ट है, प्रोक्वेस्ट को इससे पहले आर आर बॉकर के नाम से जाना जाता था यूएसए। 1948 बुक्स इन प्रिंट आया, ये भी बिब्लियोग्राफी है, और ये किस टाइप का बिब्लियोग्राफी है, तो ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, और इसका पब्लिशर जो है ये आर आर बॉकर है यूएसए। आर आर बॉकर को करेंट में हम प्रोक्वेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 1950 हो गया ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये देखो ये ब्रिटेन का नेशनल बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। वहाँ ब्रिटेन जो है वहाँ की नेशनल बिब्लियोग्राफी को ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी कहते हैं, नेशनल बिब्लियोग्राफी हो गया, और इसका पब्लिशर जो है ब्रिटिश लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिक सर्विस डिवीज़न है। तो हो गया इतना, दो तीन और है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफीज की में जो दो रह गया था, ठीक है। इंडियन बुक्स इन प्रिंट, इसको हाईलाइट करेंगे, ये आ चुका है लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में, ये दोनों ही, ठीक है। और एक ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो ब्रिटेन का नेशनल बिब्लियोग्राफी है, वैसे ही इंडिया का एक नेशनल बिब्लियोग्राफी है जिसको इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कहते हैं, इसका पब्लिशर जो है नेशनल बिब्लियो ये टाइप जो है नेशनल बिब्लियोग्राफी का हो गया, और इसका पब्लिशर सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता है, इसका पब्लिशर सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता है। 1955 में इंडियन बुक्स इन प्रिंट जो कि एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है, इंडियन बिब्लियोग्राफीज ब्यूरो इसका पब्लिशर है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी भारत का, इंडिया का नेशनल बिब्लियोग्राफी है नेशनल, और इसका जो पब्लिशर है वो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बिब्लियोग्राफी होता कितने टाइप का है, तो फाइव टाइप का होता है, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफी, नेशनल बिब्लियोग्राफी, यूनिवर्सल मतलब वही इंटरनेशनल, यूनिवर्सल और इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफी, स्टेटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी और ट्रेड बिब्लियोग्राफी, ठीक ना। ये फाइव टाइप का बिब्लियोग्राफी होता है,
जिसमें हम यहाँ पर सभी को देखे हैं टाइप्स ऑफ बिबिलिटी, जैसे यहाँ ट्रेड आ गया, यहाँ पर नेशनल आ गया, इंटरनेशनल था, ठीक है, इसके बाद ट्रेड था, सब्जेक्ट बिबलियोग्राफी था। तो इसमें याद, इस टेबल को याद करने से 4 to 5 टाइप से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सॉल्व हो जाएगा। और एक जगह मतलब एक जगह ही सारे बिबलियोग्राफीज को मेंशन कर दिए हैं, ईयर के साथ, पब्लिशर के साथ, ठीक है, कौन नेशनल है, कौन इंटरनेशनल है। टाइप्स ऑफ बिबलियोग्राफीज 5 टाइप्स का होता है, सब्जेक्ट, नेशनल, यूनिवर्सल और इंटरनेशनल, स्टेटिस्टिकल और ट्रेड बिबलियोग्राफीज। सेकेंड है वेब ब्रांचेज ऑफ बिबलियोग्राफीज, इसकी बात करेंगे जब हम बिबलियोग्राफीज चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे, तब इसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे, तब डिटेल में इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करके समझाएं। अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए बिब्लियोग्राफी जो होता है वो 5 टाइप्स का होता है, और ब्रांचेज ऑफ बिब्लियोग्राफी जो होता है ये भी 5 टाइप का होता है। हम बिब्लियोग्राफी का जो स्टडी करते हैं वो 5 टाइप्स का इसका ब्रांच होता है, एनालिटिकल, सिस्टमेटिक, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल और टेक्सचुअल, ये ब्रांचेज हैं बिब्लियोग्राफी के। 5 टाइप्स के बिब्लियोग्राफीज होते हैं, बिब्लियोग्राफीज के जो ब्रांच होते हैं वो भी ऑल्सो 5 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें एक ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी को याद रखना है, ऑल लाइब्रेरी एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बाद वो किस टाइप का है ये ध्यान रखना है, याद रखना है। 19 और इसके बाद इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, बुक्स, इंडियन बुक्स इन प्रिंट और BNB, इसको याद रखना है। और एक पहला वाला जो 1545 में आया था, ठीक है, बिब्लियोथेका करके जो था वो। तो इस तरीके से ये आज 3 लिस्ट हुआ है, ऐसे ही हर पर डे 3 लिस्ट, जिससे क्वेश्चन जो है आपका अगर पूरे अगर इस तरीके से लिस्टेड अगर जो हम टॉपिक वाइज हमने पढ़ा दिया, तो समझिए कि आपका आपके नेट का जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आना फिक्स है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस में आए, मैच द फॉलोइंग में आए, या चाहे ईयर ऑफ पब्लिकेशन में आए, जिस टाइप से भी आएगा आपको इस टॉपिक को ध्यान रखना है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हो गया, बिब्लियोग्राफीज हो गया, पब्लिशर हो गया, ईयर हो गया, कब हुआ, इस तरीके से, ठीक है, इसको याद रखना है। और हाँ, ये बिब्लियोग्राफीज से एक और इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है लाइब्रेरी के ऑल लाइब्रेरी एग्जाम में, कि मतलब हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, भारत में जो है इंडियन भारतीय ने जो है वो बिब्लियोग्राफी के जनक कौन है, ठीक है ना। तो बी एस केशवन को भारत में बिब्लियोग्राफी का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, BS केशवन, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे BS केशवन द फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। BS केशवन को क्या कहा जाता है, भारतीय बिब्लियोग्राफी का जनक कहा जाता है, द फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। और यही BS केशवन ही जो थे ये फर्स्ट लाइब्रेरियन थे इंडिपेंडेंस इंडिया के, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद रखना है, आज़ादी के बाद ये पहले क्या थे, तो लाइब्रेरियन थे, स्वतंत्रता के बाद लाइब्रेरियन बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे, BS केशवन, द फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी BS केशवन को कहा जाता है। तो या आज आज भर के लिए यहीं तक, अब आगे कल फिर 3 टॉपिक होगा ऐसे ही, ठीक है। तो लिस्ट वाला जितना भी है उसको याद रखिए, और हम हाईलाइट कर ही दे रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ चुका है उसको भी हाईलाइट कर दे रहे हैं। और रहेगी बात इसको, इस सभी को एक्सप्लेनेशन में जब टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, अभी फर्स्ट वीक के अंदर जो है एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है, उसको देखते हुए सिंग द कंडीशन ऑफ एडमिट कार्ड व्हिच रिलीज इन दिस वीक, ठीक है। तो इसको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा, अभी कम टाइम में बेहतर तैयारी के लिए ये अप्रोच सही है, एकदम फिट है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है लिस्ट, सिर्फ लिस्ट चलेगा, 1 वीक तक लिस्ट चलेगा, जब तक एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आएगा तब तक सिर्फ और सिर्फ लिस्ट चलेगा, ठीक है, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देख लेंगे, बस आज के लिए यहीं।